चलो जी फ्रेंड्स, अभी टाइम आ गया है एक बार फिर से अपनी स्कॉर्पियो में थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया जाए म्यूजिक सिस्टम। और मैं यहाँ पर आया हूँ, इंडस्ट्रियल एरिया है जी ये, और फिलहाल मैं बीट में हूँ। एक्चुअली बॉक्स लेके जाने हैं यहाँ पर, और मैं दिखाता हूँ आपको कौन सा बॉक्स मैंने बनवाया है अभी नया स्कॉर्पियो के लिए। तो यहाँ पर आया हूँ मैं, यहाँ से नोट कर लीजिए किसी को बॉक्स बनवाने। देखिए एक से एक बढ़िया बॉक्स बनाइए या इसके लिए ना पूरी वीडियो देखना आप, मैं इसका थोड़े स्पेशल बनवाया है। और काफ़ी भाई अपने स्कॉर्पियो लवर या फिर वैसे भी जिसको थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज में चाहिए, तो मैंने अब की बार दो बनवाए हैं। और ये स्कॉर्पियो में फिट करके मैं दिखाता हूँ, और फिर इसकी मैं वो भी बताऊँगा, स्पेसिफिकेशन भी बताऊँगा, डायमेंशन भी बताऊँगा, क्योंकि मैं खुद बहुत सर्च कर रहा था तो मेरे को है ना मिल नहीं रहा था। और मैंने ये अपना एक्चुअली पाइप वाला बनवाया है, जैसे पोर्ट्रेट बोलते हैं ना उस टाइप का। तो चलिए स्कॉर्पियो फिट कराते हैं, पहले भाई को मैं पेमेंट कर देता हूँ, और ये ठीक ही रेट में बनाए भाई ने, तो मैं इसका रेट भी बताऊंगा आपको बीच में कहीं, और इनकी डायमेंशन भी बताऊंगा। भाई से कॉन्टैक्ट कर लेना, भैया मिलेंगे आपको, ठीक है। और कुछ ऐसी शॉप है इनकी जिधर काम होता है, बहुत सारे बॉक्स वगैरह रखे हैं, तो भैया समझ लेते हैं, मतलब जो भी आप मॉडर्न टाइप का कुछ भी समझाएंगे ना, स्पेशल बना दोगे ना भैया ऐसे ना। तो चलिए अभी स्कॉर्पियो ले चलते हैं और स्कॉर्पियो फिट करते हैं इसको जल्दी से। एम्पलीफायर एक्चुअली एम्पलीफायर सब ऊपर भी चेंज कर रहा हूँ मैं अभी, वो दिखाता हूँ आपको। तो ये अपने बॉक्स रख लिए मैंने बीट में, और चलिए ये भी बढ़ते हैं आगे, ये अपनी स्कॉर्पियो के पास चलते हैं, और ये जल्दी से अपने नए सबवूफर इंस्टॉल हो रहे हैं और नया बॉक्स हो रहा है, तो वो दिखाता हूँ मैं आपको जल्दी। पहले देखो इसमें लगा हुआ था ये रॉकफोर्ड का R1 सीरीज का है, मैं इसकी डिटेल बताऊँगा जब इसमें शिफ्ट होगा। तो डीपी भाई के पास चलते हैं, इस बॉक्स को यहीं उतार देते हैं घर पर ही। और ये देखो ये बुरादे वाला बॉक्स है, तो इसमें ज़्यादा अच्छी आवाज़ भी नहीं आती, लेकिन सबवूफर बहुत अच्छा है, इसलिए इसके लिए MDF के स्पेशल बनवाए गए हैं। और चलिए इसको अभी निकाल के, और फिर मैं आपको डायरेक्ट डीपी भाई के पास मिलता हूँ। साथ में मैंने ये भी रख लिए ऑडिबल फिजिक्स के, ये अपने कंपोनेंट है, इसी गाड़ी में लगे हुए थे पहले, ये मैंने उतार दिए थे, और अभी लगे हुए हैं फोकल गए, अपना सब ऊपर उतर गया। देखिए इसकी मैग्नेट कितनी छोटी है, और ये सिंगल कोयल है, लेकिन भाई जो आउटपुट है इसका बेहतरीन, आपको सुनाऊंगा लास्ट में आउटपुट भी। और ये मैंने ऑडिबल फिजिक्स के जो मैंने बताया इसी गाड़ी में लगे हुए थे, ये कंपोनेंट भी ले लिए। एक्चुअली इसकी जो बेस है सॉफ्ट बेस है, आउटपुट जो बहुत प्यारी है, और इसकी भी सॉफ्ट है, तो इनके मैचिंग बैठेगा। अभी जो लगे हुए हैं अपनी गाड़ी में फोकल वाले लगे हुए हैं, तो उनकी थोड़ी हार्ड है, तो इसलिए वो निकाल के और ये कंपोनेंट लगाएंगे, ये सब ऊपर लगेगा इन बॉक्सेज में। दिखाओ जी, हम पहुंच गए हैं डीपी भाई के पास, बात तो करी थी मैंने, और गाड़ी नहीं खड़ी है, चलो अपने लग जाएगी, एक गाड़ी चल रही है, JP भाई को जानते हो। इधर लगा देते हैं थोड़ी, एक बार यहाँ थोड़ी भीड़ रहती है भाई। चलो जी एक बार डीपी भाई से मिलते हैं, JP भाई आगे, हाँ कॉफी पक्का। यहाँ की कॉफ़ी भी बड़ी अच्छी है भाई, कॉफ़ी ज़रूर पिलाते हैं मेरे को भाई, और तो मैं आपको बताता हूँ उसकी सारी डिटेल, और DP भाई होंगे शायद यहाँ पर, ये इधर DP भाई। दिन तो अंधेरा हो गया था, और भाई ने वैसे फिट कर दिए थे, तो आज सेटिंग कर रहे हैं भाई, दिखाता हूँ आपको। ये अपना सोनी का मोनो एम्प है, और पीछे जो मैंने बॉक्स बनवाए दिखाऊँ आपको, ये बॉक्स हैं, और ये रॉकफोर्ड R1 सीरीज है भाई, अगर इम्पोर्टेड मिल जाता है, मतलब ओरिजिनल एकदम मिलता है, तो भाई बहुत ही अच्छी आउटपुट है। और ये न्यू मैंने बॉक्स बनवाए हैं दोनों, देखा, और इसमें मैंने पोर्टेड भी करवाया, पाइप बोलते हैं ना पाइप वाला, मेरे को थोड़ी सी फ्लो वाली फीलिंग चाहिए थी। एक्चुअली छोटी गाड़ी में तो बहुत प्यारे बज रहे थे, लेकिन अभी इसकी सेटिंग करेंगे भाई, अपनी गाड़ी में अभी तक अच्छी आउटपुट आई नहीं है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसमें सब सोनिक फिल्टर है ना, तो उससे ना आवाज़ बहुत अच्छी बन जाएगी, ठीक है। ये वाले है, ये आप देख लो, ये 200 RMS ही है, ये बता दूँ आपको, 200-400 हो गए, 600 RMS अपना एम्पलीफायर देता है, तो इन दोनों के लिए बहुत अच्छा है वो। और इसका मैं ना पूरे बताऊँगी आपको, ये जो बॉक्स हैं स्कॉर्पियो के लिए सबसे बेस्ट है भाई, मैंने हर तरह से करके देख ली कोशिश कि कौन सा अच्छा बन सकता है कैसे नहीं। ये एक्चुअली टैपर भी है पीछे की तरह ना, सीट के पीछे गए हुए हैं, थोड़ा मैं दिखाऊँ आपको, ये थोड़ा सा इस तरह से पीछे तक, चलो मैं चलाता हूँ DP भाई, और आपका आउटपुट दिखाता हूँ, इनके बारे में भी बाद में बात करेंगे एक बार। DP भाई का एप्पल वाला कनेक्ट करके मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को दिखाना है ना आउटपुट कैसे सेट कर रहे हैं, उधर से आता हूँ मैं। वैसे पहले है ना इसकी RC निकली पड़ी थी भाई ने चेक की ना, तो एक RC है ना आउट थी इससे, तो इसलिए आउटपुट में मज़ा नहीं आ रहा था, मैंने बताया भाई को, तो भाई बोले यार RC भी निकली पड़ी है तो कैसे मज़ा आएगा, भाई अब सेट करेंगे। सीट के नीचे अपना 4 चैनल लगा हुआ है, तो वो जो कन्वर्टर वाली डब्बी है उसको देख रहे हैं भाई, RC का डाउट लग रहा है कहीं निकली तो ना वो।
ये गाना परफेक्ट है, ये गाना वैसे परफेक्ट है ना बेस चेक करने के लिए। डीपी भाई क्या बोलते हो, ठीक आ रही है? लेकिन अब ये क्या है कि सॉफ्ट बेस वाला सबवूफर है ना ये, तो वो बड़बड़ाहट ज्यादा नहीं कर रहा, उससे तो छुटकारा मिल गया। चलो वो नहीं चाहिए थी अपने को, तो ये शीशे वीशे भी है ना ज्यादा धड़का नहीं रहा, वैसे हिल तो रहे हैं लेकिन कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। तो ये फिट है अभी, क्या बोलते डीपी भाई, या कुछ और भी करनी थोड़ी बहुत? ओके जी। तो फ्रेंड्स सर आए हैं, वो सर की वो गाड़ी पजेरो जो मैं दिखा रहा था आपको, और सर अपनी गाड़ी में ऑडियो चेक करेंगे एक बार, इनका एक्सप्रेशन भी देखते हैं कैसा रहता है, बताना सर आप चेक करके कैसी है। Sure, definitely. अभी मैंने चेंज की है, R1 सीरीज लगाए हैं, इससे पहले बहुत हैवी लगा था, इससे पहले 1600 RMS के थे, डैब बोन्स के, और अभी R1 सीरीज लगी है। चलो इसकी वजह से ना तो आपको सुना नहीं सकता, लेकिन सर को मैंने सुनाया, कैसे लगा सर आपको? बहुत बढ़िया आवाज थी, बहुत मजा आया सुनने में, बहुत अच्छी क्लैरिटी, और जिसे कहेंगे ना एक एक बीट बहुत साफ हो जा रही थी। सर इस गाड़ी में एक और प्रॉब्लम थी, मैं बता रहा था जैसे आपको, हमिंग नॉइस किसी से पूरे चंडीगढ़ में दिल्ली में खत्म नहीं कर पाई, इसमें आवाज सीटी मारती थी। डीपी भाई ने बहुत मेहनत करी सर इसके इस लिए, मामले में डीपी हमारा मास्टर है। हाँ उसके लिए मैं डीपी को थैंक यू बोलूंगा। और आज देखो अभी भी देखो स्टीरियो चल रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही सर, रियली इवन हम गाड़ी स्टार्ट भी कर लूंगा ना तब भी कोई आवाज नहीं आएगी। देखो कैमरा ऑन है, अभी देखो सर नहीं यार ना, कोई हमिंग नहीं है, बहुत अच्छी है। ये सिर्फ डीपी को जाता है इसका श्रेय, डीपी नहीं खत्म किया ये। थैंक यू डीपी भाई, आपका थैंक यू यार, बहुत परेशान था मैं। तो सर की गाड़ी में भी काम हो रहा है, फोकल के कंपोनेंट लग रहे हैं, और जो 4 चैनल अपनी गाड़ी में लगा हुआ वही उसमें लग रहा है, और वही काम डीपी भाई कर रहे हैं, उसका आउटपुट भी सुनवाएंगे आपको। डेफिनेटली सर एक बहुत अच्छा काम होगा, बहुत बढ़िया। चलो सर का फिर भी रिव्यू लेंगे उसके बाद भी। चलो डीपी भाई, एक दूसरा लगा के मैं टेस्ट करवाया था, ये पड़ा है यहाँ पर, लेकिन भाई को खुद कोई तसल्ली नहीं हुई, तो बोले नहीं अपना सोनी वाला ही ठीक है। जरूरी है ना टेस्ट करके देखना, तभी तो पता लगेगा कि हमारी वाली चीज़ में कितना भाई ने सेट कर दिया मामला। ये वैसे इंटरफायर का आप लोगों ने सुना होगा, चेक किया था कि थोड़ा सा लाउड हो रहा है ना डीपी भाई। हाँ जी है ना, तो इसकी एक्चुअली कंट्रोल्ड नहीं है वो सोनी फिल्टर वगैरह नहीं, सोनी फिल्टर जो। तो डीपी भाई ये जो इनका थोड़ा बताना R1 सीरीज के बारे में। R1 सीरीज बहुत बढ़िया है जी, साउंड आपने सुनी है अपनी। हाँ JBL से तो काफी अच्छी है ना, JBL से तो सर बहुत अच्छी है जी, सिंगल वॉइस कॉइलर सेम वैसे स्पेसिफिकेशन वैसा ही है बिल्कुल जी। और 200 RMS होते हुए भी काफी अच्छी दे रहा है ना। कितने रुपए का दे दोगे, दोस्त आएंगे आपके पास लेने? सर कोई नहीं जी, दुकान पे आएंगे कर दूंगा बेस्ट रेट जी। अच्छा रेट फ्लक्चुएशन होते रहते हैं बिल्कुल जी, तो कॉल कर लेना भाई, डीपी भाई का नंबर नीचे भी चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Sector 48 बूथ नंबर 226। तो भाई से कांटेक्ट कर लेना, और भाई ने एक बार फिर से अच्छी सेटिंग करी है, सुनने थोड़ी सुनाऊं आपको एक बार और। बस इसमें है ना डीपी भाई, इसमें मतलब वो नहीं है पहले जैसे दो बुरबराट होती थी, वो नहीं है, सॉफ्ट बेस आएगी ना, चाहे 1000 किलोमीटर चले जाओ सुनते हुए। मतलब जो बेवजह के बजता है वूफर वो बजेगा नहीं है, वो नहीं बजेगा, ये जो हमें गाने का बीट के सबसे ही वूफर बजेगा ये वाला। बस बस गाने में जैसे की ये था जी आज की वीडियो में, जो अपनी गाड़ी में नए सब वूफर लगवाए हैं अपने, और जो ये स्पेशली डायमेंशंस हैं ये स्पेशल स्कॉर्पियो के लिए है। मैं इसके ना एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे डीपी भाई सर्च किया कि स्पेशल स्कॉर्पियो के लिए कोई सब वूफर बॉक्स बताएं, तो एक में भी है ना वीडियो में ढंग से बताया नहीं गया, तो मैं डायमेंशंस के साथ एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भाई को अच्छी कीमत में, काफ़ी कम कीमत में, मार्केट से कम कीमत में और अच्छा काम चाहिए तो डीपी भाई से कॉन्टैक्ट करें, नीचे भाई का नंबर चल रहा है। आज की वीडियो में यही था, होपफुली आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आती रहती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।